हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए मंडे यानी कि 13 अप्रैल 2020, आज की डेट निफ्टी काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट पे है। उससे पहले सुबह सुबह एशियन मार्केट्स ओपन हो चुकी है। जरा देखें यहाँ पे सिंगापुर निफ्टी में, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 50 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या निफ्टी में भी आज गिरावट आएगी? क्योंकि एशियन मार्केट में अगर आप देखो, बहुत सारी जगह पे गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे निफ्टी खड़ा है। जरा एक नज़र डालते हैं एशियन मार्केट्स के ऊपर, सीधे लेके जा रहा हूँ आपको एशियन मार्केट्स के ऊपर। ये देखिए, क्योंकि फ्राइडे ऑफ होने के बाद सारी मार्केट्स खुल रही है। यहाँ पे सिंगापुर निफ्टी 56 पॉइंट्स डाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 56 पॉइंट्स। और जैसे जैसे 9 बजे तक यहाँ पे इंडियन मार्केट ओपन होगी, इसकी तरफ एक नज़र आप बनाए रखना। जापनीज मार्केट 150 पॉइंट डाउन है। स्ट्रेट टाइम्स देखिए, ये भी डाउन है। हैंगसेंग अगर मैं बात करूँ, ये थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ताइवान पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बाकी कॉस्पी और जकार्ता कंपोजिट, शंघाई कंपोजिट, ये सब डाउन है। ओवरऑल मैं कहूँगा फ्लैट या ही डाउन ही पड़े हैं मेजर मार्केट्स। उससे पहले अगर आपने देखा होगा कि यूएस मार्केट्स लास्ट फ्राइडे 285 पॉइंट्स अप था। डाउ जोन्स और नैसडैक 62 पॉइंट्स अप था। क्रूड ऑयल की बात करते हैं, देखिए इंडिया के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से चाहिए। क्रूड ऑयल देखिए 5% अप है और WTI ब्रेंट क्रूड 4% अप है। नंबर्स तो बहुत ही खतरनाक यहाँ पे आए हुए हैं। नंबर्स तो मैं कहूँगा कि डराने वाले नंबर्स हैं इंडिया के, तो खास करके। बाकी तो अभी हम छोड़ ही रहे, इंडिया में जो पहले काउंट बहुत कम था वो अब बहुत तेजी से बढ़ता हुआ 18,53,000 टोटल काउंट हो चुका है, जिसमें 1,14,000 डेथ यहाँ पे सामने है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 22,000 डेथ हो चुकी है अब तक और 5,60,000 काउंट हो चुका है। सबसे ज्यादा डेथ अमेरिका में देखी जा रही है। उसके अलावा इंडिया के नंबर्स को देखें, फिर चलते हैं सीधे निफ्टी की तरफ। इंडिया के नंबर्स को देख लीजिए, अब 9,200 टोटल केसेस, जिसमें से 331 डेथ। अब देख लीजिए किस तरीके से महाराष्ट्र 1982 में पहुंच चुका है। देखिए नंबर, दिल्ली सेकंड नंबर पे 1154, बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ते हुए। और तमिलनाडु, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो रिकवर कम हुए हैं, डेथ ज़्यादा हुए हैं। 43 डेथ है, 41 रिकवरी है, अपने आप में हैरान कर देने वाली बात। चलते हैं निफ्टी की तरफ, समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी यानी कि जिसको हम कह रहे थे काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट पे खड़ा है, और मुझे लगता है कि रास्ता काफ़ी कठिन है निफ्टी का। जो पीक था यानी कि 9100 के आसपास का, उसी पीक के आसपास अभी भी ये टच करके खड़ा हुआ है। अगर ये देखें, ये आप 8 अप्रैल की डेट को देखिए, 8 अप्रैल में किस तरीके से लंबी अपर शेडो बनी थी। आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अब देखिए ये हम अभी निफ्टी जो है सिंगापुर निफ्टी को देख के बता रहे हैं। अब यहाँ से ऊपर आ जाएगा तो बहुत लोग कहते हैं आपने तो गलत एनालाइज किया। देखिए जो डाटा है, जो ड्राइविंग फैक्टर है, वो बता रहे हैं यहाँ पे कहाँ को जा सकता है। लेकिन शाम होते होते जैसे अगर आप देखोगे, अभी सिंगापुर निफ्टी भी ओपन स्टेट में है। जब इंडियन मार्केट खुलती है उसके बाद भी ओपन रहता है। कहाँ हालात जाते हैं फिर वहाँ पे डिपेंड करता है। फिलहाल ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट एरिया है। ये ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है आगे के रास्ते के लिए। ऑल्दो अगर मैं आवरली पे देखूँ तो 200 आवर की सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन वेट कर रही है 9,400-9,500 के आसपास। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट इसके लिए हो सकता है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है इस रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। चलिए नंबर इंडिया के अंदर बहुत खतरनाक डराने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये तेज़ी से आगे बढ़े ताकि रिकवरी हमें देखने को मिले और कोरोना के केसेस कम होते हुए मिले। और वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।